डंपिंग, क्लोनिंग, कॉफी और टीपी बाईपास चेक क्लोनिंग कर बैंक खातों से लाखों करोड़ों रुपए उड़ाने वाले गिरोह का आज आजमगढ़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है और ऐसे चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे जानकारी मिली कि अभी तक करोड़ों का घोटाला कर चुके हैं। विगत कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से चेक की क्लोनिंग कर 12 करोड़ से ज्यादा रुपए उड़ा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि इनके गिरोह में और भी लोग शामिल हैं और इंटरनेशनल लेवल तक ये लोग ऐसे काम करते हैं, लोगों का चेक करवाकर करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं। देखिए, कल शाम ये 5 लड़के गिरफ्तार हुए। इसमें 2 कंप्यूटर ग्रेजुएट हैं और दोनों हैकिंग का काम करते हैं। बाकायदे टेलीग्राम पे, ICQ पे इनके ग्रुप बने हुए हैं। ये फॉरेन से डेटा डंप कराते हैं, डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का, और उस डंप से जो क्लोन करते हैं मार्केट में सॉफ्टवेयर, जैसा इसने आपको सॉफ्टवेयर भी बताया कि ये सॉफ्टवेयर आता है, ये MSR की मशीन आती है, रीडर आता है, राइटर आता है, उससे हम लोग क्लोन बनाते हैं और क्लोन के बाद हम लोग पैसा निकालते हैं। एक तो ये, दूसरा यही गैंग जो है चेक क्लोनिंग में भी है। जैसा कि आपने जैसा आपके सामने इन सबों ने बताया कि 12 करोड़ रुपये का चेक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का आया हुआ था। इन्होंने किसी SBI ब्रांच में जाकर के उसको इनकैश कराने की बात की और SBI ब्रांच मैनेजर ने मना कर दिया कि नहीं, हम ये नहीं करा पाएंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने जब गूगल किया तो पता चला कि वो बैंक से करीब 10-12 करोड़ रुपये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से ये पैसे निकल चुके हैं। अब इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं, कौन एजेंसी कर रही है, क्योंकि गैंग के कुछ लोग यहाँ हैं, हो सकता है ये पैन इंडिया गैंग है, क्योंकि इनके फ्लाइट टिकट्स मिले हैं। जो हैकर हैं बकायदे फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, कभी मुंबई जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं। तो ये चेक क्लोनिंग में इन्वॉल्व हैं, कार्ड की क्लोनिंग कर रहे हैं, इंडियन डेटा का तो क्लोन बना ही रहे हैं, फॉरेन के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का क्लोन का डेटा भी क्लोन बना करके पैसे निकाल रहे हैं। एक और लड़का है जो ऑनलाइन क्रेडेंशियल बैंक का हैक करता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो ये आपने देखा कि एक हमने बैंक SBI के एक बैंक ऑफिसर को भी अरेस्ट किया हुआ है, क्योंकि वो बैंक ऑफिसर इनको एक्सेस देता था, वो पूरा का पूरा आपका अकाउंट का डिटेल जो है स्क्रीनशॉट पे लेकर के पास ऑन कर देता था व्हाट्सएप पे। और वो लड़के क्या काम करते, वो अच्छा सिर्फ वो डेटा देता था जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा रहती थी, जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट किए रहते थे। ये क्या काम करता था, ये फॉरगेट पासवर्ड कर लेता था और उसके बाद से इनके पास कई ऐसे टूल हैं जिससे ये OTP बाईपास कर लेंगे और करके ये अपना काम कर लेते थे। तो इस तरह से ये ऑनलाइन बैंकिंग हैक करने वाला गैंग है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का क्लोन बनाने वाला गैंग है, चेक की क्लोनिंग करने वाला गैंग है, इस तरह से बैंकिंग फ्रॉड्स का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो ये पांचों ना मिलके कर रहे हों। इनके अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, इनके टेलीग्राम ग्रुप पे कई ऐसे लड़के हैं जिन्होंने सिर्फ हैकिंग के चैट किया हुआ है। हम उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये पूरा पैन इंडिया गैंग है, क्योंकि ये काफ़ी लड़के मुंबई और दिल्ली अक्सर जाते रहते हैं फ्लाइट से। अभी अभी हमारा